साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज बिलाखिर परवेज़ लाई साहब की मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, तो उसमें क्या तय पाया है? कोई ताखीर करनी है, मजीद वक्त लेना है, या फिर फौरी कल परसों ये काम कर देना है? जी जामी साहब शुक्रिया, और शामी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। कोई भी इसी किस्म का भी भाम नहीं है। परवेज लाई साहब ने जो अपना वीडियो बयान दिया था उसी पे कायम थे, और उन्होंने उसी तरह आज कहा कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की अमानत है, और ये इमरान खान साहब के कहने पे जिस वक्त चाहेंगे उसी वक्त खत्म हो जाएगी, दूसरा सेकंड दूसरा लम्हा नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो जो मुलाकात थी वो बड़ी खुशगवार रही, और जो बातें हुई वो मुस्तकबिल के लाए अमल पे हुई। मतलब आप मुतमईन हैं? हम बिल्कुल मुतमईन हैं। अच्छा ये तो बताएं ना, आप ऑन एयर हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप उस मुलाकात का हिस्सा थे, अब इतना भी फॉर्मल आप ना हूँ, ये तो बताएं तय क्या हुआ कि सीक्वेंस क्या होगा? पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा, फिर एक सब कमेटी भी बनी जिसका आप भी हिस्सा हैं, फिर क्या पीटीए के रहनुमाओं से मुशावरत होगी? वो सिलसिला तो बयान करें ना, कैसे फिर आगे बढ़ेगा ये काम? कल पंजाब की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग है, उससे खान साहब इंशाल्लाह कल खिताब करेंगे और तमाम एमपीएस को इत्माद मिलेंगे। उसके बाद जो टाइम फ्रेम है, किस दिन किस लम्हे तोड़नी है, ये सिर्फ खान साहब को पता है, और इसका पूरा इख्तियार चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी इमरान खान साहब को ही दिया है। जिस तरह उन्होंने पहले अपनी बात में कहा कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की इमानत थी और इमरान खान साहब की हुकूमत है, जिस वक्त वो चाहेंगे उसी लम्हे इस हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। तो ये नहीं पूछा कि ये वो जो हमारी मुसर्रत जमशेद चीमा है, जिनको नोटिस जारी हुआ कि उन्होंने उनके एक बयान पर अदारों के बारे में, तो कोई ये बात भी देर बहस आई? नहीं, इस टॉपिक पे तो डिस्कशन ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो बड़े स्पेक्ट्रम पे गुफ्तगू हो रही थी, मुस्तकबिल के लाए अमल पर पंजाब गवर्नमेंट पे, तो वही गुफ्तगू चलती रही। तो वो जो शो काज उनको दिया, इंशाल्लाह वो उसका जवाब देंगी, और वो समझदार खातून है, वो उसका जवाब जब देंगी शो काज का, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या जवाब है। तो फरज साहब, इसका मतलब है कि ये जो मुशावरती अमल आपने बताया, पार्लियामेंट पार्टी का इजलास और फिर दीगर जो मामला था आपने बताया, इसका मतलब फिर अगले हफ्ते ही कुछ सूरत सामने आएगी वाजे? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा अगले हफ्ते, मैं इसकी तावील निकाल रहा हूँ ना आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद, कि फिर इसका मतलब है अगले हफ्ते तक कोई सामने आएगी मुस्तकिल? ये आपकी तावील हो सकती है, मगर ये मैंने कहा जिस तरह पहले भी, खान साहब इसका फैसला करेंगे, और किसी को नहीं पता कि कब करेंगे, जिस वक्त करेंगे उसी लम्हे इसकी हम एडवाइस भेज देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चलिए, हमारा सलाम अर्ज कर दीजिएगा इमरान खान साहब को। वालेकुम सलाम शामी साहब, अल्लाह ताला उनको शफाए कामला और आजला अता फरमाए। चलिए।